थोड़ा मोबाइल है पीछे लो ना यार भाई जरा। मेरा नाम है जगन्नाथ किशन उगले। मला हे सांगायचं आहे की एक अल्पसंख्यक समाजाचा खासदार यांनी मंदिर उघडायचा जो हा प्रश्न गव्हर्नमेंटच्या समोर मांडलेला आहे महाराष्ट्र शासनासमोर, तर त्यांचं उद्दिष्ट फक्त मंदिरच उघडणे नाही आहे, या मंदिराच्या भरोशावर शिर्डीसारखं मंदिर आहे, गजान महाराजचं मंदिर आहे, केदारनाथचं मंदिर आहे, महाराष्ट्रामध्ये टोटल 12,000 मंदिरं आहेत, या 12,000 मंदिरामध्ये कमीत कमी 8,00,000 लोक पोट भरतात याच्या भरोशावर, त्याच्यामध्ये तो फूल पिकवणारा शेतकरी, तो फूल तोडणारा मजूर, त्या मंदिरापुढे बसणारा अगरबत्तीवाला, त्या मंदिरापुढे बसणारा नारळवाला, त्या मंदिरापुढे बुटं उचलून उचलणारे पार्किंगवाले, त्या मंदिरापुढे खाण्यापिण्याची व्यवस्था, त्या मंदिरच्या भरोशावर 5,00,000-8,00,000 लोकांचं कुटुंब निर्भर आहे। आणि एक मला तरी वाटतं की पूर्ण राज्यानेच नाही केंद्रानेसुद्धा याला मान्यता द्यायला पाहिजे की एवढे लोक उपाशी मरत आहे आणि तुम्ही काय करता, एका अल्पसंख्य पूर्ण खासदारांनी ही पोस्ट उचलायला पाहिजे। मुद्दा फक्त मंदिरचा नाही, सगळं उघडलेलं आहे, दारूचे दुकानं उघडलेले आहेत, बस स्टँड उघडलेले आहेत, आजपासून आंतरराज्य प्रवास सुरू झालेला आहे, सगळं खुलं झालं आहे, मग या नुसतं मंदिरामुळे काय अडचण आहे? संपूर्ण राज्यानेच नाही तर केंद्रानेसुद्धा आमच्या खासदार साहेबाच्या संमतीला मान देऊन हे मंदिर उघडलेच पाहिजे। या मंदिर उघडण्याचा आमचा मतलब एकच आहे, फक्त की 10,00,000 कुटुंब या मंदिराच्या भरोशावर जगतात। हा रोजगारीचा प्रश्न आहे, पहिलेच्या कोविड-19 मुळे लोकांना काम नाही आहे। या आज माझं नाव जगन्नाथ किशन उगले, मी MIM पार्टीशी ताल्लुक रखतो। माझी अशी विनंती आहे की केंद्रानेच नाही, राज्यानेच नाही, केंद्रानेसुद्धा हा मुद्दा उपस्थित धरून हे मंदिर उघडायला पाहिजे, तर अन्यथा आम्ही संपूर्ण MIM पार्टी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही। देखिए, हमने एक घोषणा की थी कि 1 तारीख के दिन महाराष्ट्र के तमाम हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत अहम दिन इसलिए होता है कि आज गणेश विसर्जन का दिन है। इसलिए हमने ये सोचा था कि हिंदुत्व की बात करने वाली जो सरकार है, जो अभी तक गुंगी मुक्की और बहरी बनकर ये सब देख रही है कि बाकी हर चीज़ खुल गए तो चलेगा, लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खुलना चाहिए। ऐसे में हमने ये तय किया कि 1 तारीख के दिन हम औरंगाबाद की एक मंदिर में जाएंगे और वहाँ पर जाकर सरकार के ऊपर ये दबाव डालेंगे कि अब समय आ गया है कि आपके जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस के साथ है तो सभी धार्मिक स्थलों को खोलना चाहिए। हमने खड़केश्वर की एक महादेव की मंदिर में जाने का तय किया, लेकिन इसी दौरान जो नींद में सो रहे थे, गहरी नींद में सो रहे थे, वो लोग अचानक से उठ गए और उन्होंने ये किया कि नहीं, हम खोलेंगे मंदिर। तो हमारा ये था कि हम तो जाने से पहले ही हमारा जो काम था अगर वो कर दिए है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। हमारा मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर जाकर हमने कोई नारेबाजी लगाना, हमारा मकसद यही है कि सरकार ने इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए। और सिर्फ मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, बुद्ध विहार हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, ये तमाम धार्मिक स्थल आपके कंडीशंस के साथ आप खोलिएगा। और मकसद जिस तरह से हमारे पाटिल मामा ने बताया है कि एक मंदिर जब रहती है तो वहाँ पर सिर्फ श्रद्धालु जाते हैं भगवान से मांगने के लिए, ऐसा नहीं है। मंदिर के बाहर बैठने वाले, चाहे वो नारियल बेचने वाला हो, फूल बेचने वाला हो, पूजा की सामग्री बेचने वाला हो, उसका भी पेट उसी मंदिर के जरिए है तो वो भरता है। और अगर 6-6 महीने से सरकार ने क्या इनके लिए कोई पैकेज डिक्लेयर करा है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे ये मंदिर जब तक बंद है? उनका भी पेट है, उनकी भी रोजी रोटी है, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने पुलिस वालों के जो निवेदन था, उनकी विनती थी, उसका मान रखते हुए हमने ये कहा है कि आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, अगर सरकार इसके ऊपर अगर फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतर आएंगे, क्योंकि ये लोगों की जन भावना है और उन लोगों की जन भावना का मान सम्मान रखते हुए
हम अगर सरकार नहीं सुन रही है तो हम सरकार को नींद से जगाने के लिए हम दोबारा सड़कों के ऊपर आएंगे। हमने ये कहा था कि हम 1 तारीख के दिन मंदिर खुलवाएंगे, 2 तारीख के दिन मस्जिद खुलवाएंगे। हमारा मस्जिद का प्रोग्राम अभी भी जारी है। 2 तारीख के दिन कल हम शाहगंज की मस्जिद में दोपहर की नमाज अदा करने के लिए जाएंगे। जो जो प्रिकॉशंस लेने का है वो सब प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार ने गंभीरता से इस बारे में सोचना चाहिए और तमाम जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको खोलना चाहिए। 2 दिन का समय दिया आपने, 2 दिन के बाद फिर वापस मंदिर जाएंगे। हमने ये कहा है कि पुलिस वालों ने जब हमसे ये बताया है कि आज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, लोड है, क्योंकि आज विसर्जन का दिन है, उन्होंने ही हमसे ये अनुरोध किया कि इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएं। उनका मान रखते हुए हमने, पुलिस की बात को मानते हुए हमने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। अगर 1-2 दिन के अंदर अगर सरकार इस बारे में कोई ठोस फैसला नहीं लेती है तो हम दोबारा सड़क के ऊपर बिल्कुल यकीनन उतर कर आएंगे। राज ठाकरे के मन से के लोगों का बोलना है कि स्टंटबाजी कर रहे हैं शिवसेना और MIM। मैं छोटे मोटे लोगों के बारे में प्रतिक्रिया नहीं देता।